बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत कटवर्क डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। मैंने सिल्क फैब्रिक ले लिया है और मैंने लिया है टिशू फैब्रिक। उसके अलावा मैंने जिगजैग गोटा पट्टी लिया और स्ट्रेट गोटा पट्टी ली है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन स्केच करेंगे, तो इसके लिए मैंने पेपर्स ले लिए और एक पत्ती कट कर लिया। इस पत्ती को हम यहाँ पर ड्रॉ करते जाएंगे। पेपर की स्ट्रिप्स लंबी लंबी सी मैंने काट ली हैं, उनके ऊपर हम इस पत्ती को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह वन बाय वन हम पत्तियां ड्रॉ करते जाएंगे। सेंटर से हम पत्ती मिलाएंगे और कॉर्नर्स अलहदा होंगे। इसी तरह से सारा डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। जी तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप को लंबा कर लिया है आपस में इसको जोड़ लगा के। तो ये देखें, ये मैंने सारा डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब हम टिशू फैब्रिक लेंगे, इसको कट करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटी सी स्ट्रिप इसकी कट कर लेंगे। ये देखिए इतना सा पीस हमें चाहिए। अब इस पीस को हम नीचे वाले स्केच के ऊपर यहाँ से सिलाई लगा देंगे ताकि ये हिले ना और डिज़ाइनिंग करने में हमें आसानी हो। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। पहले हम इसको जोड़ लेंगे। इधर मैं सिलाई थोड़े बड़े बखिए से लगा रही हूँ। मैंने यानी अपने स्टिच को लार्ज कर लिया है। इसी तरह दोनों साइड्स पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई बाद में हम निकाल देंगे, ये सिर्फ टेम्परेरी हम लगा रहे हैं ताकि हमारी डिज़ाइनिंग के दौरान कपड़ा ना हिले। जी तो अब डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। स्केच के ऊपर हम अपनी ये जो डोरी है तिल्ला वाली, इसे गोटा डोरी, तिल्ला डोरी सब कुछ बोलते हैं, तो ये हम अप्लाई करने वाले हैं। ये थोड़ी फ्लैट होती है, ये गोल्ड डोरी नहीं होती। जी तो अब हमारा मेन फोकस हमारे नीचे वाले स्केच के ऊपर होना चाहिए। हमने स्केच के ऊपर मशीन चलाते जाना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे डोरी को कट नहीं करना, यानी हमने एक एक लीफ नहीं बनाना, एक ही डोरी के साथ हम सारा डिज़ाइन रेडी करेंगे। यहाँ पर डोरी को जिस मेथड से मैं लगाऊँगी आप भी वैसे ही लगाइएगा, बहुत आसान है। ये देखिए, अब अपना सारा फोकस नीचे वाले स्केच के ऊपर रखें और अपनी नीडल को उस स्केच के ऊपर चलाते जाएं। डोरी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, डोरी खुद ब खुद चलती जाएगी। ये डोरी बहुत आसानी से लग जाती है, ये थोड़ी फ्लैट होती है, गोल्ड नहीं होती, तो आसानी से अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे मैंने स्टिच स्ट्रेट रखा हुआ है, जिगजैग स्टिच नहीं है ये। जी तो इस तरह से मैं इसे कॉर्नर से नीडल अंदर करके फिर मोड़ती हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप भी। ये देखिए, लास्ट पे जब हम वापस आएंगे तो यहाँ से हमने डोरी को कट नहीं करना, हम यहाँ से लाइन को स्ट्रेट ले जाएंगे अगली पत्ती तक। नीडल को अंदर करने के बाद हम नीचे वाले पेपर को और फैब्रिक को टर्न करेंगे। जी तो ये बहुत आसानी के साथ लगती जाएगी। आप अपना सारा फोकस नीचे स्केच पे रखें। जी तो मैं इसे मुकम्मल करती हूँ। मैंने यहाँ से वीडियो को कट नहीं किया है, फास्ट कर लिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। आप देख लें कि मैंने एक ही डोरी किस तरह से पूरे डिज़ाइन पे अप्लाई की है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। जी तो हम इसी तरह से अपनी सारी पत्तियां रेडी कर लेंगे। अब ये सेम डिज़ाइन अपने दामन पे या किसी भी और चीज़ पे, पोंचो पे, ट्राउज़र पे, कहीं भी बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मेरा ज़रा फैब्रिक बच रहा है और नीचे पेपर ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेपर की दो पत्तियाँ और बना के स्केच करके वो नीचे रखूँगी और इनको सेम डिज़ाइन इनके ऊपर चला देंगे। ये देखें,
जी, तो यहाँ पे मेरा स्टिच स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट स्टिच है, तो ये दूसरी मशीन सिंपल मशीन पे इजीली अप्लाई हो जाएगी, ये डिज़ाइन बन जाएगा, ज़िगज़ैग स्टिच नहीं है। जी, तो हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पहले मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ इसकी लुक, ये देखें, ये बहुत खूबसूरत बना है और बहुत प्यारा लगता है बाजू पे बना हुआ। ये इसकी बैक की लुक है, ये देखिए इसका स्टिच, ये फ्रंट। जी, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक आविया ले लिया, इसको गर्म कर लिया है, सोल्डरिंग आयरन इसको बोलते हैं। तो हम जो फैब्रिक एक्सेस है, जो फालतू है बाहर वाली साइड पे, उसकी कटिंग कर देंगे इसके साथ। इसको किसी एक जगह पे रोकना नहीं है, बस जल्दी से चलाते जाना है। ये जो नीचे वाली साइड पे ट्रायंगल बन रही है, मैंने इसमें से भी फैब्रिक को रिमूव कर दिया है। ये देखिए, फैब्रिक को मैंने ऐसे रिमूव कर दिया। पीछे से हम पेपर भी उतार देंगे और ये है कुछ इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन बना है। तो अब हम इसके ऊपर बाजू अप्लाई करते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। जी, तो मैंने स्लीव्स की बैक साइड जो उनसी है वो सिल्क फैब्रिक लिया है। अपने डिज़ाइन को उसके ऊपर जोड़ने के लिए मैंने डिज़ाइन की उल्टी साइड जोड़नी है, ठीक है। उल्टी साइड से हम रखेंगे, फैब्रिक की सीधी साइड है और डिज़ाइन की ऊपर वाली साइड पे उल्टी साइड है। यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे। चलिए मशीन पे चलते हैं, ये देखें। ये उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है, तो उल्टी साइड को हम रख के सिलाई लगा देंगे। जी, तो ये सिलाई लगी है, इसे हम मोड़ लेंगे। ये देखें, ये मैंने पलटा लिया इसको। तो अब यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे अब हम ज़िगज़ैग गोटा पट्टी अप्लाई करने वाले हैं, ये वाली। जी, तो इधर हम इसे सिलाई के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने स्टिच ज़िगज़ैग रखा है ताकि मुझे नीचे से भी फैब्रिक को तरपाई या ओवरलॉक ना करवाना पड़े। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा स्टिच यहाँ पे ज़िगज़ैग है। जी, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुछ फाइनल लुक। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है। तो अब इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसके ऊपर मैं मोटिव लगाऊंगी। मेरे पास दो एक जैसे मोटिव्स हैं, ये पेस्टिंग मोटिव्स होते हैं, ये इस्त्री के साथ आसानी से चिपक जाते हैं, इसके पीछे ग्लू लगा होता है। जी, तो ये दो मोटिव्स होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों स्लीव्स के लिए। तो हम अपनी बाजू पर रख के देख लेंगे। हम राइट वाली बाजू बना रहे हैं तो राइट वाला लगेगा, लेफ्ट वाली बना रहे हैं तो वो वाला लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी बाजू का सेंटर मार्क कर लेंगे, सेंटर पॉइंट देखेंगे इसका कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, ये मेरी बाजू का सेंटर लीफ है। हम बिल्कुल सेंटर में रख के उस मोटिव को अप्लाई करने वाले हैं। मोटिव को हम रखेंगे और गरम आयरन के साथ उसको पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर भी स्टिच लगा सकते हैं। ये देखिए इसकी बैक साइड, ये अच्छी तरह इसकी पेस्टिंग हो चुकी है।
जी, तो अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक दिखा सकूँ। जी ये देखिए हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।